गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ सुभाष सैन अकेडमी आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग प्रमोशन इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स आर गुड एट योर होम्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 10th इंग्लिश, दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक। द चैप्टर्स नेम इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। We can start the chapter. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. A young seagull is offered to fly. How does he conquer his fear? A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? The young seagull was alone on his ledge. Ledge means rock. The young seagull was alone on his ledge. Seagull, seabird. Seagull is a kind of seabird. His two brothers and sisters and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. एक छोटा सीगल अपने लेज यानी अपने चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और एक बहन पहले ही यानी एक दिन पहले ही उसके पास से उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ जाने में डर रहा था, यानी वह उड़ना नहीं, उसे उड़ने में डर लग रहा था। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। सम हाउ When he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink means edge. Ledge means rock. Brink means होता है किनारा, जिसको एज कह सकते हैं। यानी किसी तरह से वह सीगल आगे की तरफ थोड़ा सा दौड़ कर उस रॉक के किनारे तक थोड़ा सा दौड़कर अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, यानी विशालकाय समुद्र नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वह बहुत दूर तक फैला हुआ था, मीलों फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट His wings would never support him. उसे यह भरोसा हो गया था कि उसके पंख उसका कभी साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain. Sorry. So he bent his head. इसलिए वो अपना सिर नीचे झुका लिया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और उस चट्टान के नीचे बने हुए होल में अपने आप को छिपा लिया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात में सोया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके दो भाई और एक छोटी सी बहन जिसके पंख उससे छोटे थे, रैन टू ब्रिंक, वह किनारे तक दौड़ कर गई। फ्लैप्ड दियर विंग्स एंड फ्लू अवे, वह अपने पंखों को फड़फड़ाई और उड़ गई। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, लेकिन
लेकिन वह साहस जुटा पाने में असमर्थ था। टू टेक दैट प्लंग और एक उछाल नहीं लेना चाहता था, यानी वह डुबकी लगा, प्लंग मिस होता है डुबकी लगाना, वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए काफी निराशा की बात थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम, उसके फादर और मदर उसके पास उसे तेजी से चिल्लाते हुए आए, अपब्रेडिंग हिम यानी उसको क्रिटिसाइज किए, उसकी निंदा किए, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव अवे, और उसे तब तक भूखा रहने की धमकी दिए जब तक कि वह उड़ता नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह जीने के लिए भी उड़ा नहीं। दैट वॉज 24 hours ago, यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, पूरे दिन वह अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को, अपने भाइयों और बहन को उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में महारत हासिल करते हुए देखा। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उन्हें यह सिखाते हुए उसने देखा कि कैसे लहरों पर स्किम यानी कैसे लहरों पर यात्रा करते हैं, कैसे लहरों पर चलते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए डाइव लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवायर इट, वह अपने सबसे बड़े भाई को मछली पकड़ते हुए देखा, जो कि एक हेरिंग मछली, हेरिंग मछली एक प्रकार की ऑयली फिश होती है, एंड डेवर इट, और वह उसे जल्दी जल्दी खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़े होके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ चिल्ला चिल्ला कर उड़ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और पूरा परिवार नीचे के पठार पर घूम रहा था। मिडवे डाउन अबाउट द बिग प्लेट प्लेटो यानी क्लिफ के अपोजिट टॉन्टिंग हिम, और उसे डांट रहा था विथ हिज कावर्डिस यानी उसके कावर्डिस मीन्स उसके डरपोक स्वभाव के लिए उसे डांट रहा था। द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई, अब सूर्य नीचे, द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई, अब सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज को यानी उसके चट्टान को चमका रहा था। दैट फेस्ड द साउथ,
जो साउथ की तरफ मुंह करके था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस होने लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वह पिछले पखवारे से यानी पिछले रात से नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे लेज के किनारे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने दूसरे पैर को वह पंखों के अंदर छिपाया था। ही क्लोज्ड वन आई, वह अपना एक आंख बंद कर लिया। देन द अदर, फिर दूसरा भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का बहाना बनाया। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी तक या तब तक उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डॉजिंग विद दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स, उसने अपने दो भाइयों को और बहन को नीचे पठार पर पड़े हुए, सिर को नीचे डुबाए हुए, अपने गर्दन के नीचे सोते हुए देखा। डोजिंग मतलब होता है सोना। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसका पिता अपने पंखों को अपने पीछे सजा रहा था। While his mother was looking at him, जबकि only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump, वह एक ऊँचे से स्थान पर खड़ी थी। On the plateau, यानी पठार के ऊँचे वाले हिस्से पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward, और उसका सफ़ेद ब्रेस्ट आगे की तरफ निकला हुआ था। Now and again, अब और एक बार फिर, she tore at a piece of fish, वो फिश का एक टुकड़ा तोड़ती है। That lay at her feet, जो कि उसके पैर के नीचे था। And then scraped each side of her beak on the rock, फिर अपने चोंच को दोनों साइड से एक रॉक पर रगड़ कर नुकीला करती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और उस सीगल को खाना देखकर पागलपन चढ़ गया। हाउ ही लव्ड टू टियर फूड दैट वे, उसे इस तरह से खाना फाड़ना बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपने चोंच को नुकीला करना और उसे टू वेट इट और उसे तेज करना बहुत पसंद था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा को, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली, यानी वो सीगल कुछ खाने के लिए अपनी माँ से मांगता है, यानी कुछ खाना मांगता है, और उसकी माँ उसका हंसी उड़ाते हुए कहती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह उसी तरह से चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ मिनट के बाद उसे एक आनंददायक धारा मिली, यानी सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, सॉरी
एक मिनट या उसके कुछ देर के बाद वह एक आनंद भरे धारा में बोलता है, हिज मदर हैड पिक्ड अप, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा ली हुई थी, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वह उसके पास ही दौड़ रही थी, उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। वह उत्सुकता पूर्वक झुक गया और उस चट्टान पे पैर रखते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वह अपनी माँ के पास जाने का प्रयास कर रहा था, एज इट कैन बी सीन इन द फिगर। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी, शी हाल्टेड, वह रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख मोशनलेस हो गए, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी उसके चोंच में जो मांस का टुकड़ा था वह उस सीगल के चोंच के पास पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्य में एक क्षण प्रतीक्षा किया, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वह इसके बारे में सोच रहा था कि वह उसके पास क्यों नहीं, एंड देन मैडेंड बाई हंगर, और वह भूख से पागल हो गया, ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश के लिए डाइव लगाया, विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, एक तेज चीख के साथ वह बाहर निकला और नीचे की तरफ तेजी से गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक भयानक डर उसे सीज कर दिया, यानी उसे जमा दिया, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल की धड़कन को रोक दिया, ही कुड हियर नथिंग बट इट, वह कुछ सुन नहीं सकता था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा केवल कुछ मिनट के लिए था, एक मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल चुके हैं, बाहर निकल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, हवा उसके आगे वाले हिस्से पर टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट की तरफ टकरा रही थी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के आगे टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के छोर हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग डाउन, अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा। He was soaring gradually downwards and outwards. उड़ रहा था, soaring मतलब उड़ना, धीरे धीरे downwards नीचे की तरफ and upwards, यानी अब वह ऊपर और नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, अब उसे कुछ चक्कर आ रहा था।
देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर उसने एक बार और अपने पंख फड़फड़ाए और वो नीचे की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ गया। ग ग ग ग ग ग ग ग कुह हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। उसकी माँ तेजी से उसकी तरफ आई, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, तेज की आवाज के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम। तो उसका पिता उसके ऊपर से उड़ा चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग द बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तब उसके भाई बहन उसके दोनों तरफ चक्कर काटते हुए आए और ऊपर नीचे वो भी उड़ने लगे और पानी में डाइव लगाने लगे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया कि वह कभी उड़ नहीं सकता है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। तब वह चीखते हुए आगे की तरफ उछला और पानी में डुबकी लगाने के लिए चीखा। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वह समुद्र के लगभग नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और एकदम ठीक नीचे ही ओशियन के ऊपर वो उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने अपने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली। फिर वह समुद्र के ऊपर तब वह थोड़ा सा ऊपर उठा और अपने चोंच को एक तरफ करके प्रसन्नता पूर्वक काँव काँव करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन उसके पास उस हरे समुद्र पर उतर गए। दे वेयर बेकनिंग टू हिम। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। दे कॉलिंग स्लिटे ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने भी अपने पैर समुद्र में रखा बैठने के लिए। हिज लेग सैंक इन टू इट। उसका पैर समुद्र में डूब गया। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, यानी वह डर के मारे चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर ऊपर उठने के लिए प्रयास करने फ्लैप अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह इतना थका हुआ था एंड वीक और कमज़ोर हो गया था विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, यानी भूख से वह इतना कमज़ोर हो गया था कि उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र एक्सरसाइज से वह थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसका बेली यानी उसका पेट उस समुद्र को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वह उससे ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड दियर बिग
एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। उसका परिवार भी उसके चारों तरफ उड़ रहा था, चीख रहा था और उसे डॉग फिश ऑफर कर रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार से उसने अपना पहला उड़ान भरा। दस द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द सीगल। और सीगल हु does not want to fly because he is afraid to do this, but when he dared to do this he became able to fly. Then it is only we have to take steps for doing anything. Just a seagull. जैसा कि स्टोरी में आपने समझा कि एक सीगल जो उड़ने में डर रहा था, लेकिन उसने उड़ान भरने के लिए एक स्टेप के लिए साहस जुटाया और वह इसमें सफल हो गया। इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम कुछ भी करने से डरते हैं। We always fear to do anything new, but it is more risky in the comparison of not taking any risk in the life. जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। It is only to take a step for that. We have to be able to take decisions. Thus students, read the chapter and learn all the hard-won meanings. Thank you and